हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी, दूध और चीनी से बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी मिठाई बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप या 300 ग्राम सूजी। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप हल्का गर्म दूध, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध की फ्रेश मलाई। अगर आपके पास दूध की फ्रेश मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई के डालने से लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हम इन लड्डू में ना ही मावा यूज़ करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि सूजी फूल गई है। सूजी और दूध का मिश्रण गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। पकोड़ों को बनाने के लिए गैस ऑन करके पैन में घी को गर्म करेंगे। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे। आज हम जो सूजी के लड्डू बना रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट और आसान रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस से लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो पकोड़ों को तोड़ने के बाद थोड़ी देर इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे। तो थोड़ी देर में जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो अब हम पकोड़ों को पलट देंगे और उलट पुलट करते हुए पकोड़ों को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और पकोड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद अब हम पकोड़ों को निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के पकोड़ों को भी बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे पकोड़ों को हमने बनाकर फ्राई कर लिया है। अब हम पकोड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इस तरह से तोड़ने से इन्हें पीसना आसान हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से पकोड़े अंदर तक पक गए हैं। तो सारे पकोड़ों को हमने इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब हम इन्हें पीसेंगे। मिक्सी के जार में थोड़े थोड़े पकोड़े डालकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो कुछ इस तरह से पकोड़ों को हमें पीसकर तैयार करना है। तो इसे अब हम एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और इसी प्रकार से बाकी के पकोड़ों को भी पीसकर तैयार कर लेंगे। तो सारे पकोड़ों को हमने पीस लिया है। अब हमने जिस पैन में पकोड़ों को फ्राई किया था उसमें से हम घी को अलग निकाल लेंगे। केवल 2 टेबल स्पून घी को ही पैन में रखेंगे। अब हम इस घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो हम डालेंगे 2 टेबल स्पून काजू कटे हुए, 2 टेबल स्पून बादाम कटे हुए, 3 टेबल स्पून मगज के बीज। 2 मिनट तक इन तीनों को हम भून लेंगे। सूखे मेवे हमेशा इस प्रकार से घी में भूनकर ही लड्डू में डालें। इससे लड्डू का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और सूखे मेवे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो सूखा मेवा आपके पास नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कटा हुआ पिस्ता और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून किशमिश डालेंगे और इसे केवल इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्राई किए हुए मेवे को लड्डू के मिश्रण में डालेंगे। साथ में डालेंगे 4 से 5 इलायची जिसे हमने पीस कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप या 150 ग्राम शुगर जिसे हमने पीस कर लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर अब हम इसके लड्डू बनाएंगे।
तो लड्डू आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सुपर डिलीशियस लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे लड्डू हमने बना लिए हैं, अब हम लड्डू को तोड़कर भी देखेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप लड्डू को एक बार ज़रूर बनाकर देखें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।